class. Welcome to online classes conducted by Sunday Ji School and College. Previous video में मैंने आपको पंजाब को समझा दिया था. पंजाब under Sikh means Sikh होते हैं, वो 12 minutes में unite हुए थे और उसको unite किया था महाराजा रणजीत सिंह ने. उसके बाद फिर हम देखेंगे मैसूर जहाँ के ruler थे हैदर अली. हैदर अली पहले एक फूट सोल्जर थे, उसके बाद फिर वो 1761 में वहाँ के ruler बनते थे मैसूर के. इन्होंने आर्मी को मॉडर्नाइज किया फ्रेंच की हेल्प से, मॉडर्न आर्सेनल बनाया बिटी होल में. इसके बाद फिर आते हैं इनके बेटे, इनको सक्सीड करते हैं और उनका नेम था टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान जो कि टाइगर ऑफ मैसूर के कहलाते हैं. इन्होंने 1769 में किंगशिप संभाली थी. टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत असर पड़ा था. इन्होंने वहाँ के मैसूर के ट्रेड था, मैसूर का ट्रेड था, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया. वहाँ की इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया था क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इक्विपेड थे, इसलिए वहाँ की आर्मी और आर्सेनल को भी काफ़ी इम्प्रूव किया था. इसके बाद फिर हम देखेंगे मराठा. 17वीं सेंचुरी में मराठा जो थे वो माइनर से चीफेंस थे, मीन्स सरदार टाइप के थे, लेकिन शिवाजी के लीडरशिप में मराठा जो थे वो पावरफुल सेंटर बन चुके थे. और उसके बाद शिवाजी को वीक सक्सेसर ने सक्सीड किया था. शिवाजी के बाद जो सक्सेसर आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि जो मराठा किंगशिप को संभाल सकते, लेकिन उसके बाद राइज ऑफ पेशवा मीन्स जैसे ही शिवाजी के सक्सेसर वीक थे तो उसके बाद जो डिसीजन लेना होता था वो उनके प्रधानमंत्री करते थे, प्राइम मिनिस्टर करते थे, उन्हीं को हम पेशवा के नाम से जानते हैं. तो पेशवा को डिसीजन मेकर कहा जाने लगा क्योंकि जो जब रूलर इतना कैपेबल ना हो कि वो सारे डिसीजन ले सके तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मिनिस्टर्स पे चली जाती है. यही मराठाओं के साथ हुआ. मराठा के जो मिनिस्टर्स थे वो पेशवा कहलाते थे, तो पेशवाओं के ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे साहू, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अपॉइंट किया, मीन्स अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया ताकि वो देख रेख कर सके एडमिनिस्ट्रेशन की. एंड मराठा गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेसमुखी. चौथ एंड सरदेसमुखी इज अ टाइप ऑफ टैक्स, एक टैक्स था जो कि मराठा अपने लिए कलेक्ट करते थे. चौथ मीन्स जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 मराठाओं को जाता था. एंड सरदेसमुखी क्योंकि ये जो थे मराठा लीडर थे, इस वजह से सरदेसमुखी नाम का टैक्स लिया जाता था. और बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव ने सक्सीड किया था. इन्होंने डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद, बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को डिफीट किया था और परीक्षित को फोर्स किया था कि जितनी भी उसने मीन्स लेटर मुगल्स होते हैं उन्होंने जितनी भी मराठा टेरिटरी को कंप्लीट किया है वो सब वापस उनको दे दिया जाए. तो एक मीन्स हम कह सकते हैं कि बाजीराव ने भी मराठा पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था. इनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव. बालाजी बाजीराव के लीडरशिप में मराठा पावर काफ़ी ग्रेट पावर बन चुकी थी. इसी समय जिस समय बालाजी बाजीराव थे इसी समय मराठाओं और अफगान लीडर अहमद शाह अब्दाली के बीच एक बैटल होता है, बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761. इस बैटल में अफगानों की हेल्प सारे रूलर्स ने करी, मीन्स मराठाओं की हेल्प सबने नहीं की थी. और जो भी यहाँ के रीजनल किंगडम थे जस्ट लाइक हैदराबाद के निजाम, क्योंकि हैदराबाद से भी इनकी दुश्मनी थी, इनकी इंग्लिश थी, तो इन्होंने भी हेल्प करी थी अफगानों की. और दैट्स वाई अफगान डिफीटेड टू मराठा, मीन्स मराठाओं को हरा दिया था अफगानों ने. और इसके पीछे रीज़न है, कई रीज़न हैं कि क्यों मराठा ही डिफीट हुए. मराठा जीत भी सकते थे, पावरफुल सेना थी, आर्मी थी इनके पास, फिर भी वो हार गए. तो इसके रीज़न थे, सबसे पहला मराठा जीत फ्लैट यूनिटी, मराठा जीत क्योंकि वो आपस में ही उनमें नहीं बनती थी, उनमें यूनिटी नहीं थी, वो अलग अलग ग्रुप में डिसाइड थे, जैसे बोईसाल गायकवाड ये सब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे, आपस में ही नहीं बनती थी, यूनिटी नहीं थी. नेक्स्ट आता है मेड नो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की. इनको आम जनता की लॉयल्टी भी नहीं मिली क्योंकि प्रजा हमसे क्या चाहती है, हमारी जो आम जनता है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो हमसे ये चाहती है कि हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज दे, तभी तो वो हमको राजा बनाती है, रूलर बनाती है. लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ करते नहीं
और वही इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। तो जब इनकम का सोर्स खत्म हुआ तो इनकी जो इकोनॉमिक फिनेंशियल कंडीशन थी वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। दैट इज दिस इज योर चैप्टर एंड डोंट राइट इट ऑन योर नोटबुक। कई बच्चे इसको अपनी नोटबुक पर लिख करके देते हैं, तो ये आपको लिखने के लिए नहीं होता है, इट वॉज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, इसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए। Thank you.